अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है एजुकेशन सब्जेक्ट का फर्स्ट टॉपिक है, तो लिहाजा हम स्टार्ट करेंगे इसकी जो है इंट्रोडक्शन से, डेफिनेशन से, मीनिंग क्या है एजुकेशन का, इसका कॉन्सेप्ट क्या है एजुकेशन का। तो बेसिकली जो एजुकेशन जो है, अगर हम इसको उर्दू में देखें तो ये अरबी ज़ुबान, तालीम अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। तालीम के असल मीनिंग क्या है? इसके मीनिंग है कि किसी चीज़ को जानना, पहचानना और किसी की हकीकत मालूम करना। तालीम हमें इस काबिल बनाती है कि आप उसके थ्रू किसी भी चीज़ को, किसी भी शख्स को, किसी भी जो है हालात को, सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, उसकी असल रियलिटी तक आप पहुंच सकते हैं, ठीक है। और इसमें हम दूसरों को भी साथ अपने अंदर जो है कोऑपरेट करने के, कोलैबोरेट करने के लिए उनको शरीक कर सकते हैं। तो एजुकेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम जो है ख़ुद जान जाएं और दूसरों को भी इस काबिल बना दें कि वो जान जाएं या इल्म हासिल कर लें। इन शॉर्ट एजुकेशन का मतलब ये है तालीम का। और बाकी अगर इसको अंग्रेज़ी ज़ुबान में देखा जाए तो एजुकेशन, जो वर्ड एजुकेशन है, ये बेसिकली ड्राइव किया गया है एक लैटिन वर्ड एजुसियर और एजुकेयर से। जो एजुसियर है इसके मानी है मालूमात को इकट्ठा करना, जमा करना, या पोशीदा सलाहियतों को बाहर लेकर आना, ठीक है, टू ब्रिंग आउट द पोटेंशियल। और बाकी अगर हम देखें एजुकेयर, तो इसके मीनिंग्स हैं किसी की तरबियत करना, नशोनुमा देना, ठीक है। तो इस तरह दोनों जो वर्ड्स हैं इनके मीनिंग होंगे हैं ड्राइंग आउट या ब्रिंग आउट, ठीक है, या फिर लीडिंग आउट। तो एक्चुअली एजुकेशन का मतलब क्या हुआ? एजुकेशन का मतलब ये है कि जो इंसान के अंदर पोटेंशियल, जो उसके अंदर जो एबिलिटीज़ हैं, जो उसकी हिडन एबिलिटीज़ हैं, उसको मालूम करना, फिर उसके बाद उसको निकालना और फिर उसको निखारना। और बच्चे की बात करें तो बच्चे की सलाहियतों को निकालने, फिर उसको तरतीब देने और फिर नशोनुमा करने के कंप्लीट प्रोसेस का नाम एजुकेशन है, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये एक ऐसा प्रोसेस कह लें कि जिसके थ्रू इंसान के तमाम पोशीदा जो नेचुरल जो उसमें एबिलिटीज़ हैं, बिल्ट इन एबिलिटीज़ हैं, जिसके बारे में वो खुद भी नहीं जानता, उसको मालूम करना है, बाहर निकालना है, निखारना है और इन्हें मुकम्मल तौर पे एक कंप्लीट आप डेवलपमेंट करनी है, ठीक है। तो क्यों करनी है? ताकि वो इस माशरे में एडजस्ट हो सके, ठीक है, किसी भी तरह के माशरे में सोसाइटी का एक जो है बाअसर, एक कारामद इंसान बन सके, शहरी बन सके। तो एजुकेशन की हम बात करें तो इसके मीनिंग जो हैं बहुत ब्रॉडर मीनिंग, यानी ब्रॉडर किस्म के हैं, डिफरेंट टाइप्स के। अगर हम देखें मॉडर्न एजुकेशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, ट्रेडिशनल एजुकेशन पे आप चले जाएं तो वहाँ के कॉन्सेप्ट आपको थोड़े से और डिफरेंट दिखाई देंगे, ठीक है। और फिर अगर हम बात करें इस्लामिक एजुकेशन का, उसका थोड़ा सा और डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। अगर हम ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट की बात करें एजुकेशन की, तो उसमें तो जी आ जाता है, उसमें मुअल्लिम टीचर की बात करें तो वो उसको एक सेंट्रल हैसियत हासिल थी, मरकजी मकाम हासिल था। तो पूरे एजुकेशनल सिस्टम में उस्ताद जो था उसकी ज़ात को एक प्रोमिनेंट, एक डोमिनेंट जो है उसको जो है मकाम हैसियत हासिल थी। उस वो इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होता था कि उसने टीचिंग करनी है। और मुतालम का काम क्या होता था कि वो उसने उस्ताद के पढ़ाए हुए जो मटेरियल है, मालूमात है, उसको गौर से सुनना होता है और याद करना होता है, ठीक है। और जो है उसमें उस जो ओल्ड कॉन्सेप्ट था उसमें जो स्टूडेंट है वो थोड़ा पैसिव होता था, ठीक है, यानी कि उसका काम ये होता था कि उसे खामोशी से जो उस्ताद ने जिस तरह पढ़ा दिया उसे खामोशी से सुनना है और ओबे करना है टीचर की बात को। और जो निसाब था, निसाब की बात करें तो उसमें कुछ सब्जेक्ट थे जो कि लाजमी तौर पर पढ़ाए जाते थे, जिसमें आप कह लें उसमें लिटरेचर होता था, ज़ुबान, रियाजी और फिलॉसफी, और इसके अलावा हिस्ट्री, ये वो थे जो कि मतलब कंपलसरी सब्जेक्ट्स में आते थे।
टीचिंग मेथडोलॉजी की बात करें तो वो भी जो है उनका काम ये होता था कि यानी तालीम को एक खुशगवार किस्म का प्रोसेस नहीं बनाना, बल्कि एजुकेशन या मालूमात को मैक्सिमम जो है स्टूडेंट के दिमाग में ठोंसने का नाम था एजुकेशन। ठीक है, ज़्यादातर जो है तब उस दौर में लेक्चर मेथड राइज था, और बस यानी आप इन शॉर्ट कह लें कि हमारा जो टिपिकल जो आज से कोई 20-25 साल पहले का जो सिस्टम था ना, वो आप अगर आपके किसी बड़ों में से कोई है जिन्होंने उस तरह के माहौल पढ़ा हुआ है, देन दे कैन बेटर अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट। और अगर इसके हम मॉडर्न मीनिंग्स में जाएं तो मॉडर्न मीनिंग की में जो है उस्ताद एक रहनुमा की हैसियत जो है अख्तियार करके है। उस्ताद आपके लिए एक आपके लिए कोई बालादस्ती की बालादस्त हैसियत नहीं है, बल्कि वो आपका एक आपके लिए फ्रेंड तो नहीं कहना चाहिए, आपके मुशीर है, अच्छा मशवरा देने वाला है और अच्छा रहनुमा है, और समटाइम्स किसी किसी मौके पे आपके लिए अच्छा फ्रेंड भी बन जाता है। क्यों है? क्योंकि हमने खौफ का जो है फैक्टर ये पैदा नहीं करना, बल्कि फैसिलिटेट करना है स्टूडेंट को मैक्सिमम। लेकिन अगर आप उस्ताद से डरेंगे तो डरने से क्या है, आपके अंदर जो माइंड में जो कन्फ्यूजन्स चल रही हैं, ठीक है, सब्जेक्ट के हवाले से, टॉपिक के हवाले से, आप उसके बारे में क्वेश्चनिंग नहीं कर पाएंगे डर से। लेकिन अगर उस्ताद आपके लिए एक फैसिलिटेटर के तौर पर काम कर रहा होगा, देन आप जो है ईजिली बिला झिझक जो है उस्ताद से क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, ठीक है, और ज़्यादा बेटर तरीके से जो है, यानी उसमें टू वे प्रोसेस होता है एजुकेशन। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में टू वे है, जबकि अगर हम पुराने कॉन्सेप्ट की बात करें, कदीम कॉन्सेप्ट की बात करें, तो उसमें वन वे प्रोसेस मैक्सिमम वन वे है, ठीक है, जबकि इसमें टू वे इस तरह से है तो उस्ताद टीचर को सॉरी उस्ताद जो है स्टूडेंट को साथ साथ लेके चलता है अपने, और उनकी रहनुमाई करता है, ठीक है। और अगर हम स्टूडेंट की यहाँ पे देखें तो स्टूडेंट की ज़ात को जो है ना मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन में मरकजी हैसियत हासिल है, जिस तरह हम ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन में टीचर को एक सेंट्रल उसको जो है हैसियत के तौर पे माना जाता था, इसमें जो है स्टूडेंट यानी एवरीथिंग रिवॉल्व अराउंड स्टूडेंट, ठीक हो गया, यानी स्टूडेंट के कोऑपरेशन से, उसके इश्तराक से और डिफरेंट तरह के एक्टिविटीज़ में उनको शामिल करके हमने उनको मैक्सिमम मौके फ्राहम करने हैं मॉडर्न एजुकेशन के। और इसमें स्टूडेंट की आज़ादी की और उसकी जो ख़ुद मुख्तारी पे भी जो है कम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। स्टूडेंट के लिए खेल में और इस तरह से आप कह रहे हैं डिफरेंट तरह के तफरीही जो हैं मौके फ्राहम किए जाते हैं। और निसाब की बात करें तो इसमें भी काफ़ी तरह की आप कह लें कि वैरायटी आ चुकी है, और इसमें सिर्फ अब वो चीज़ नहीं है कि आप मालूमात ही किताबें पढ़ानी है और मालूमात को दिमाग में जो है फोर्सली उसको जो है उसमें आपने स्टोर करना है, बल्कि ये इसमें जो है एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं, मैक्सिमम एक्टिविटीज़, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि हम निसाबी सरगर्मियाँ शामिल है इसमें। इसमें आप कह लें कि कौन कौन सी हो सकती हैं हम निसाबी आपकी जो है एक्टिविटीज़, उसमें जी प्रेजेंटेशंस आ सकती हैं, ठीक है, कोई आपने कोई अपना टॉपिक था तो उसके अकॉर्डिंगली आपने कोई ग्रुप डिस्कशन कर लिया है, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें इसमें शामिल हैं। और इसमें जो है ऐसा माहौल पैदा किया जाता है कि जिसमें एजुकेशन जो है मैक्सिमम जो है उसको इंटरेस्टिंग बनाया जाए। और अगर टीचिंग मेथडोलॉजी की बात करें तो टीचिंग मेथडोलॉजी जो है उसमें ऐसी अडॉप्ट की जाती है जो बच्चे के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग हो, यानी अगर साइंटिफिक कोई आपने कोई साइंस का सब्जेक्ट पढ़ाना है तो उसमें ऑब्वियसली प्रैक्टिकल वर्क होगा, उसमें एक्सपेरिमेंट्स होंगे, ठीक है, उसमें प्रॉपर एक प्लान के साथ होगा। और अगर यानी मैथ्स पढ़ाना है तो उसमें जो है आपको एवियर्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, साइंस में यूज़ करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में यूज़ करना पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जिसमें आपको ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, और कुछ आपके सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि जैसे आप हिस्ट्री की बात कर लें, उसको मज़ीद इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कोई रोल प्ले कर लिया, ड्रामा कर लिया, या फिर आप बात करें अगर ज्योग्राफी की तो उसको जो है मज़ीद इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, या फिर आप कह लें सोशियोलॉजी।
ये तो हम बात कर रहे थे मॉडर्न कॉन्सेप्ट की, अब इसके बात करते हैं हम जी इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन के। इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन जो है इसमें मुअल्लिम को जो है ना एक रूहानी रहनुमा का मकाम हासिल है। ठीक है, तो जिस तरह के हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है। ठीक है, और जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट की जो अहमियत है, तालिबे इल्म की एजुकेशन और उसकी ट्रेनिंग को इंतहाई अहमियत हासिल है हमारे इस्लाम में। स्टूडेंट में जो है स्टूडेंट के नफ्सियाती तकाज़ों को, मेंटल लेवल को और उसके इंडिविजुअल जो उसकी नीड्स हैं साथ में उनका भी ख्याल रखा गया है। और बाकी जो नसाब की बात करें तो बेसिक नसाब में ऐसे मज़ामीन में मतलब उसका इंतखाब किया जाता है कि जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि तस्खीर कायनात और इसके अलावा अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करना। ठीक है, स्टूडेंट को इस काबिल बना सकें कि वो कायनात को मुसख़र कर सकें और अपने रब की रज़ा हासिल कर सकें। तो इसके अलावा हम टीचिंग मेथडोलॉजी की बात करें तो डिफरेंट टाइप्स के जो हैं मेथडोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया गया है। इसमें लेक्चर मेथड भी शामिल है, इसमें जो है डिस्कशन मेथड भी शामिल है। ठीक है, और ये तो एक जनरल जनरल सा आपका इंट्रोडक्शन था हमारा व्हाट इज़ एजुकेशन। नाउ अब इसके बारे में एक छोटी सी एक वीडियो है जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है तालीम के बारे में, व्हाट इज एजुकेशन, मीनिंग्स ऑफ एजुकेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि तालीम है क्या, इसकी लिटरल मीनिंग क्या है। तो लफ्ज तालीम जो है ये एक अरबी जुबान के लफ्ज इल्म से माहूज है, और अरबी जुबान में इल्म के माने होते हैं किसी चीज को जानना और हकीकत की गहराई का अदराक करना भी इल्म के जमरे में आता है। अगर हम इसके लफ्ज एजुकेशन के बारे में बात करें, क्योंकि तालीम को इंग्लिश में एजुकेशन के लफ्ज से बुलाया जाता है, तो एजुकेशन जो है वो एक लातिनी जुबान एजुकेयर या एड्यूसर से माहूज है। एजुकेयर और एड्यूसर से मुराद होता है टू ब्रिंग अप, टू ट्रेन यानी निकालना, तरबियत देना, परवरिश करना और नशोनुमा। Now we talk about the education. What is education? Education is the process of execution of knowledge, skills, values, beliefs and habits. According to Plato, education is the capacity to feel pleasure and pain in the right moment. And according to Aristotle, creation of a sound mind in a sound body. तालीम का मौजू इंसान है जो जिस्म और रूह का मुरक्कब है और कायनात के साथ एक वक्त से मुंसलिक है। इमाम गजाली कहते हैं कि तालीम इंसानी मुआशरे के बालिग अरकान की जदोजहद है जिससे आने वाली नस्लों की नशोनुमा और तश्कील जिंदगी नस्ब लैन के मुताबिक हो। सैयद अहमदान फरमाते हैं कि जो कुछ इंसान में है इसको बाहर निकालना इंसान को तालीम देना है। शायर मशरक़ कलाम इकबाल के मुताबिक तालीम वो अमल है जो इंसान को दीन के साथ रखते हुए इसकी तबई कुवतों की नशोनुमा के फराइज अंजाम दे। दुनिया इस नतीजे पर पहुंच गई है कि अगर तालीम हमें 5 नतीजे नहीं देती तो वो तालीम तालीम नहीं है। पहले नंबर पर है अवेयरनेस। अगर हमें एजुकेशन अवेयरनेस नहीं दे रही तो असल में उस एजुकेशन का कोई फायदा नहीं है। सेकंड नंबर पे है डेवलपमेंट, कि एजुकेशन हमारी ग्रूमिंग करती है, हमें डेवलप करती है। थर्ड नंबर पे है मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, मतलब एजुकेशन हमें रिसोर्सेज को मैनेज करना सिखाती है। फोर्थ पे है विजन, विजन बनाती है एजुकेशन हमारा, हमें एनालाइज करना सिखाती है, हमें असेस करना सिखाती है। नंबर 5 पे है प्रोग्रेस, कि एजुकेशन हमें प्रोग्रेस करना सिखाती है। पहले एजुकेशन हमें डेवलप करती है, उसके बाद हमारे करियर को प्रोग्रेस करती है। तो ये 5 फैक्टर्स हैं कि अगर ये 5 फैक्टर्स हमें अपने अंदर नजर नहीं आते तो इसका मतलब है कि हमारी एजुकेशन ने हमें कोई भी फायदा नहीं दिया। इसी के साथ आज